दुनिया की हो, देश की परिस्थिति हो। अभी वैज्ञानिक प्रगति का वर्णन करते समय आपने बताया भविष्य के लिए, और भविष्य इस तकनीकी के कारण कई प्रकार की नई सुविधाएं लेके आएगा। आज तक विज्ञान कई प्रकार की सुविधाएं लेकर आया है, तो मनुष्य जीवन भौतिक दृष्टि से पहले से सुखी है, परंतु हम देखते हैं कि इतने प्रगत सुखी मानव समाज में अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण कैसे कैसे संघर्ष चलते हैं। इसराइल के साथ हमास का जो युद्ध छिड़ा वो अब कितना व्यापक होगा और उसकी आग में कौन कौन झुलसेंगे और दुनिया पर इससे कौन सा संकट आएगा, इसकी चिंता सबको लगी है। तो परिस्थिति के दोनों पहलू होते हैं। अपने देश का जब विचार करते तब भी अपना देश आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अतिथि महोदय ने वर्णन कर दिया है, बहुत नपे तुले शब्दों में पूरा चित्र आपके सामने आया है। ऐसे सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है, समाज की समझदारी भी धीरे धीरे बन रही है। उसके परिणाम स्वरूप हम ऐसा देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। इसका ही परिणाम हम देखते हैं सारे दुनिया में, भारत की साख बढ़ी है, प्रतिष्ठा बढ़ी है। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा विचार सबको स्वीकार्य है, हमारा योग सारी दुनिया में एक फैशन बनते जा रहा है। लेकिन केवल फैशन नहीं बन रहा है, उसका जो शास्त्र है, उसकी जो परिणाम है, उसको भी दुनिया स्वीकार कर रही है। पर्यावरण के बारे में हमारी अपनी जो दृष्टि है वो आज सारी दुनिया में स्वीकार्य है। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का सामरिक बल बना है, कई मामलों में देश आगे जा रहा है। और आगे ले जाने का प्रयास शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, देश के युवकों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, किसानों के द्वारा, जवानों के द्वारा, सबके द्वारा हो रहा है। विशेषकर युवा पीढ़ी में हम देखते हैं कि स्व के गौरव की भावना बढ़ रही है, अपने देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छे लक्षण है और ये चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये किसी तात्कालिक समय के वैशिष्ट के नाते खड़े हैं, ये करवट बदली है भारत के समाज में, और समाज आगे बढ़ेगा, देश को आगे ले जाएगा, इसका पूर्ण विश्वास है। परंतु जीवन का मार्ग कभी निष्कंटक नहीं होता और इसलिए कुछ चुनौतियां भी सामने है। विजयादशमी के भाषण में इन दोनों बातों की चर्चा होती है, परंतु चूंकि देश की आगे कुछ चलती रहेगी ये विश्वास है, उस तरफ देश ने रुख कर लिया है और देश आगे ही बढ़ेगा, उसकी चर्चा इस भाषण में आज मैं कम करने वाला हूं। एक चुनौती ऐसी ध्यान में आती है जिसका विचार हम सबको करना चाहिए, क्योंकि वो केवल हमारे सामने यानी संघ के सामने चुनौती नहीं है, केवल हिंदू समाज के सामने नहीं है, केवल भारतवर्ष के भी सामने नहीं है, पूरे दुनिया में वो चुनौती उठ रही है। उसको हमको समझना होगा, क्योंकि बहुत मायावी रूप धारण करके वह चुनौती आगे चलती है, इसलिए उसकी चर्चा करना मुझे आवश्यक लगता है। भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत आगे न बढ़े ऐसा चाहने वाली शक्तियां भी दुनिया में है, जिनके निहित स्वार्थ मार खाते हैं भारत के प्रमुखत्व के कारण। वो अपेक्षा तो यही है कि उनका विरोध होगा, तरह तरह की चालें वो चलेंगे, भारत को दबाने का, एक विशिष्ट मर्यादा के अंदर ही बढ़ने देने का प्रयास करेंगे। वैसा हो भी रहा है, क्योंकि आखिर अभी तक भारत छोड़कर बाकी विश्व ने
अपने स्वार्थ की बलि देकर भी दुनिया को बड़ा करने का मार्ग पकड़ा नहीं है। हम ये करते हैं, आज भी कर रहे हैं, सबको मदद करते हैं। हमारी शत्रुता करने वालों को भी आवश्यकता में मदद करने वाले हम हैं। शांति रहे इसलिए अपने हितों का बलिदान भी हमने कई बार किया है और करते हैं। ऐसा स्वभाव दुनिया में नहीं है और इसलिए भारत आगे बढ़ रहा है या कोई भी देश आगे बढ़ रहा है, कल चल के हमारा स्पर्धक बनेगा ऐसा डर जिनको लगता है वो उस देश में तरह तरह के उत्पाद करने में कम नहीं करते। भाषा तो विश्व बंधुत्व की होती है परंतु वो वहां तक ही है। अपने निहित स्वार्थ ठीक रहने चाहिए, अपनी सुरक्षा को धक्का नहीं लगना चाहिए और इसलिए दूसरे देशों में कई प्रकार के उत्पाद खड़े करना, जनतांत्रिक तरीके से वहां कोई सरकार चुनके कारोबार कर रही उसको नीचे लाना, ऐसा दुनिया में चलते रहता है। ये दुनिया की रीति लगभग बन गई है जो नहीं बननी चाहिए लेकिन है। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पाद तो उससे नहीं होता। वो कारण उनकी चर्चा जिनका विषय है वो करें, परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पाद के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया इसलिए कुछ बचाव हो गया, परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपंथ की प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां के हिंदू क्या वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। उनको आवश्यकता है मदद की, विश्व भर के हिंदुओं की भारत के सरकार की सहायता उनको मिले ये उनकी आवश्यकता है, परंतु इससे ये ध्यान में आता है और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है असंगठित है तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है यह निमित्त पर्याप्त है और इसलिए जहां कहीं भी हम है वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं, इसको हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात है हमारे सबके ध्यान देने की। अब वहां चर्चाएं ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है और दोनों मिलके क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं कौन करा रहा है, ऐसे वर्णन नैरेशंस वहां पर चले, ये किन किन देशों की हित की बात है, ये तो देखने वाले सोचने वाले समझते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे देश में भी ऐसा हो ये इच्छा है, क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्थ की दुकान तो बंद हो जाएंगे और इसलिए भारत का ये सामर्थ्य न बने, ऐसे उद्योग चल रहे हैं, डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म, ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है। पिछले साल भी मैंने उल्लेख किया था, कुछ लोगों ने कहा था कि अपने यहां तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है, अपने यहां है, बहुत पहले से है,
क्योंकि केवल भारत नहीं, सभी सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध यह विचार जाता है। परंपरा से दुनिया में कहीं भी कोई भी समाज जीवन में जो मंगल है भद्र है ऐसा मानता है उसको ध्वस्त करना ये इनके कार्य प्रणाली का अंग है। और ये करने के लिए पहले पहला सूत्र उनका होता है इन्वेड द इंस्टीट्यूशंस, संस्थाओं को कब्जे में लो। शिक्षा संस्थान है, विद्यापीठ है, शिक्षा व्यवस्था है, माध्यम है, बौद्धिक जगत है, इन सब पर अपनी पकड़ कायम करके उनके द्वारा समाज में विचारों की विकृति का प्रसार करना, विचारों को बिगाड़ना, अपनी परंपरा के प्रति अपने स्वत्व के प्रति अश्रद्धा से उत्पन्न करना। हम ही अपने लोगों को गाली दें, हम ही अपने बातों को तुच्छ माने, उनकी लज्जा करें, इस प्रकार का वातावरण पैदा करना। इतना बड़ा समाज है, उसकी कई विविधताएं हैं, उन विविधताओं को अलगाव में परिवर्तित करना। नहीं है वहां कोई जबरदस्ती विविधता आरोपित करके हम विविध है इसलिए हम अलग है, हम विविध है इसलिए हम एक नहीं है, हमारे स्वार्थ अलग है, ऐसा नैरेशन देना। इतना बड़ा समाज है, छोटी मोटी समस्याएं सबकी रहती है, बड़ी समस्याएं भी रहती है, समाज की स्थिति में सब कुछ ठीक ही रहता ऐसा नहीं, सुधारने का भी बहुत कुछ होता है, तो कई अन्याय चलते रहने वाले रहते हैं। इन सबको लेकर एक असंतोष उत्पन्न करना, संघर्ष उत्पन्न करना, टकराव की स्थिति उत्पन्न करना, लोगों को उग्र बनाना, व्यवस्था, कानून, सत्ता, प्रशासन, इन सब के प्रति अश्रद्धा अनादर का व्यवहार सिखाना। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।